द कपिल शर्मा शो। थैंक यू। अरे सिद्धू पाजी भी नहीं आया अभी। अच्छा आज सोसाइटी में कोई नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा इंडियन टेनिस सुपरस्टार सानी। डॉक्टर साहब आप बरसाती मेंढक की तरह बिना पूछे बाहर क्यों आ जाते? मैंने बुलाया आपको। अरे मैं मानता हूँ मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ पर मुझ में अभी भी इतनी ईगो नहीं है कि मुझे कोई बुलाए मैं तब आऊँ। Well, I am getting late for the game of tennis. Grant me leave. चलिए 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 फटाफट निकलिए फटाफट। शुक्र है बदतमीज। So, एक बार फिर से आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मैं इंडियन टेनिस सुपरस्टार। थैंक यू वेरी मच। मैंने तेरे मुंह पे केतली मारनी उठा के तेरे को बुलाया। मैंने बुलाया तो मैंने भी नहीं था आपको अपनी शादी पे, आप आए थे ना। तेरे को बचाने आया था मैं। क्यों? आपको पता है लोग अपनी शादी में जब जाते हैं तो सालियां जूते चुराती ना, ये अपनी साली चुराता हुआ पकड़ा गया। इतना मनहूस है ये। देखो कुछ भी बोलते रहते हैं। अक्षय कुमार आए थे, उनको भी इन्होंने ना यही बोला था कि ट्रेन जा रही है, आगे आगे आपने ना लालटेन लेकर भागना है। बड़ी सुनाई थी उन्होंने भी। काश मेरी भी 5 फिल्में बैक टू बैक आती, मैं भी इनको सुनाता। अच्छा 5 फिल्में बैक टू बैक, 5 एपिसोड तो तू बैक टू बैक आता नहीं कभी। चल भाग जा भाग जा भाग जा, यहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले। चल चुप जा, दिखाना मत किसी को। सो चलो अच्छा है, सारे मनहूस गए, अब मैं सानिया को बुलाता हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम टेनिस सुपरस्टार द वेरी ब्यूटीफुल सानिया मिर्जा। ओहो हाय सानिया। पाजी पाजी आप मतलब आप सानिया के साथ कैसे? क्यों मुझे बाहर मिल गई, मैं उसके साथ आ गया। जलन जलन नहीं, जलन की बात नहीं, हम भी तो आपको बड़ी बार रास्ते में मिले, हमें देख के तो शीशा चढ़ा लेते हो गाड़ी का। अबे तू जब मिलता मुझसे पैसे मांगता, इसीलिए कटता हूँ मैं तुझसे। इसके साथ चलना गौरव है। गौरव कौन है? गौरव। अच्छा पाजी आप विराजमान हो जाइए प्लीज, पाजी के लिए जोरदार ताली आ जाए। सानिया आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू। सानिया को हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको पता है इससे पहले भी सानिया को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन सानिया अपने खेल में इतना बिजी रहती है, भगवान करे हमेशा बिजी रहे, कि अवार्ड लेने जा नहीं पाई थी। तो इनकी मम्मी गई थी अवार्ड लेने। इनफैक्ट जब हमने इनको इन्वाइट किया अपने शो के लिए तब भी इन्होंने यही कहा कि मैं बिजी, मम्मी आ जाएंगी। हमने फिर मम्मी जी से कांटेक्ट किया, कहती मैं तो खुद बिजी, मैं एक और अवार्ड लेने जा रही हूँ। तो मम्मी को अवार्ड लेने के लिए रखा हुआ आपने। मम्मी ने इतना काम किया है जी जब से मैं छोटी थी कि अब उनका ही हक बनता है सारे अवार्ड लेने। ये तो है बिल्कुल। ये जो आप सामने देख रहे हैं बड़ी बहन जैसी मम्मी, जो इनकी मम्मी है एक्चुअली, बड़ी बहन नहीं है। अरे यार मैं मतलब है तो खूबसूरत है तो क्यों ना तारीफ करें। सानिया आपका बहुत बहुत स्वागत, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। पाजी पद्म अवार्ड की सेरेमनी जो होती है दिल्ली में, आपको पता ही है राष्ट्रपति भवन में होती है, बड़ा सीरियस फंक्शन होता है कि बिकॉज राष्ट्रपति वहाँ पे मौजूद रहते हैं। अच्छा सारा लोग चुपचाप बैठे हुए थे, खाली सानिया और प्रियंका चोपड़ा आपस में कुछ तो कुसुर पुसुर कर रही थी। कौन सा ऐसा टॉपिक था कि इतने सीरियस माहौल में भी आप चुप नहीं हो रही? नहीं हम लोग कुसुर पुसुर नहीं कर रहे थे पहले तो, क्योंकि हम पद्म भूषण एक साइड बैठे हुए थे और पद्मश्री एक साइड बैठे हुए थे। और जब हम मिले अवार्ड से पहले तो पाजी शी केम एंड सेड के मैं तो बहुत नर्वस हूँ, तुम तो नर्वस ही नहीं लग रही। मैं काफी नर्वस थी तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। मैंने बड़ा कूल एक्ट किया, आई से नहीं नहीं मैं तो नर्वस नहीं हूँ, जस्ट रिलैक्स ब्रीथ, क्या हो गया, प्रेसिडेंट है। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग हर breathe breathe and then she वो मुझे कह रही थी मुझे ऐसे लग रहा है I'm going to fall on him, I'm going to go and fall on him. And I was like just breathe please just breathe. अगर प्रियंका प्रेसिडेंट साहब पे गिर जाती ना तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा थैंक यू गॉड, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। ओहो इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं जब कमेंट करती हूं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मैं खामोश बैठती हूं। बिल मेरे पे फाड़ दो, नो प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा ऑनर है। थैंक यू सानिया, आप ऐसे ही हमारे देश का गौरव बनी रहे और हमें बहुत प्राउड फील होता है, जेन्युइनली हमें प्राउड फील होता है। और जब भी आपसे मुलाकात होती है हमें ऐसा लगता है कि हम भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली। सही बात है भाजी, जब देखते हैं सानिया इतने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतती है तो बंदा वैसे बोलता है आई नो हर, आई हैव हर नंबर।
कई लोग ऐसा कर भी देते ना लाइव. आप तो जरूर करते होंगे ऐसा. और ये भी मजाक नहीं था ना. बिल्कुल मजाक नहीं है, सच में. मैं बोल देता हूँ एक्चुअली, आई मेट हर ट्वाइस, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. मैं सीरियसली, बहुत अच्छी है सानिया दिल की. पता है एक बार हम लोग हैदराबाद गए थे, तो इन्होंने बहुत सारी बिरयानी भेजी हमारे लिए. अच्छा. और वो हमसे पैसे नहीं ले रहे थे, जिन्होंने जो लेके आए थे ना, कोई वहाँ का सबसे बड़ी वो बिरयानी का कोई था वहाँ पे डीलर. बिरयानी के जो शॉप थी. अंग्रेजी की तो ऐसी तैसी कर देता है. डीलर ही थे भाजी, बहुत बड़े पतीले में लेके आया था. मुझे बड़ा मजा आ रहा है मेरी बेइज्जती पे. मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ये सच है, ये कोई मजाक के लिए नहीं बोल रहा. और थोड़े से बर्तन भी गुम हो गए थे भाजी. अच्छा. बड़ी हमें बेइज्जती फील हुई. और हमें कौन सा पहली बार हुई थी, हमने कहा थैंक यू सो मच. सीरियसली हुआ था. पता है मुझे, मुझे खबर आई थी. ये भी मजाक नहीं था एक्चुअली. अच्छा, उसने आपको बता दिया. अच्छा, वहाँ हमें कहता कोई बात नहीं जी, आप तो हमारे मेहमान है, सानिया ने भेजा. वहाँ पे आपको जाकर बोल दिया कि हमारे बर्तन गुम हो गए. सब पता था. चीटर. अरे सानिया जब डबल्स में खेलती हैं, आपकी पार्टनर होती है मार्टिना हिंगिस, तो फॉरेनर्स जब जितने प्लेयर्स होते हैं सबके साथ ऑफ कोर्स इंग्लिश में बातचीत होती है. पर जब आदमी को कभी गुस्सा आता है भाजी, आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी आदमी सोफिस्टिकेटेड तरीके से खड़ा हो ना कि इट्स वेरी हॉट टुडे एंड आई एम फीलिंग डायरेक्ट यू नो इट्स लाइक आई विल गो आई विल बीमार हो जाऊंगा मैं. It's raining today and it's a very pleasant weather today. साथ में गाड़ी को कीचड़ निकाल देना, तो इंग्लिश बोलता बोलता आदमी है, अबे अंधा हो गया, दिखता नहीं तेरे को. एक्चुअली आदमी को गुस्से में अपनी भाषा निकलती है. तो कभी मैच खेलते खेलते आपको कभी गुस्सा आ जाए, उसने गलत शॉट मारी है, या वैसे गुस्सा आ जाए, तो आपने कभी हिंदी में कुछ गाली वाली दी, मतलब कभी ऐसी? मेरा एक और रूल है, मैं लड़की हूँ तो मैं हिंदी में गाली नहीं देती, अच्छा नहीं लगता. अच्छा, तो मतलब इंग्लिश में गाली मैं इंग्लिश में देती हूँ. ये वही वाला हिसाब है ना कि इंग्लिश में दो तो उतना बुरा नहीं है, हिंदी में दो तो ज्यादा बुरा है, चाहे माना सेम हो उसका. एक्चुअली इंग्लिश में आप क्या कहते हो, हे योर सिस्टर की क्या? मैं सिस्टर की नहीं बोलती, मैं ब्रदर की बोलती. ये तो बड़ी तगड़ी थी भैया. अच्छा सामने ऐसे बच्चों की तरफ से सवाल आया ये, क्योंकि इससे पहले कि आप कहें कि ये क्या बच्चों वाला सवाल है. जैसे हम लोग बचपन में गली में क्रिकेट खेलते तो हम लोग थोड़ी चीटिंग वीटिंग कर लेते हैं. हाँ. तो कभी आपने ऐसा किया कि सर्विस कर रही हूँ और एकदम से आपने बोला हे मार्टिना वो 100 रुपए तुम्हारे हैं, और फटाफट ऐसे कर दिया. बच्चों वाला सवाल. मैंने पहले कहा था, देखो मेरी इंटेलिजेंस पे शक मत करना, मैंने पहले बोल दिया. आपको पता है ना मार्टिना मेरी साइड पे खेलती है, मेरे अगेंस्ट नहीं खेलती. सामने वाले के साथ कभी ऐसे बोलती है, Who's 100 rupees fell on the floor? तो फिर फटाफट सर्विस कर दियो. 100 rupees वो मुझे $1 देंगे वापस. बोलेंगे रखो अपने पास अपना $1, $2. या ये बात भी ठीक है. So I apologize for my question. कोई बात नहीं, बच्चों का क्वेश्चन था ना, आपका तो नहीं था, पक्की बात है. ये मैंने बचपन में सोचा था मेरा. बचपन में सोचा था. अच्छा रोम में कौन सी जगह? हाँ ट्रेवी फाउंटेन ना. ट्रेवी ट्रेवी ट्रेवी. अब इतने टफ टफ से इतने डाउट कभी नहीं थे. अभी सानिया सोशल नेटवर्किंग के भी बड़ा एक्टिव रहती हैं. अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये सिक्का फेंक के रोम में एक जगह है ट्रेवी फाउंटेन. तो उसमें विश मांगते हैं लोग उसमें सिक्का फेंक के. अच्छा आप इतनी पॉपुलर हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको लोग जानते हैं, इतने सारे टूर्नामेंट्स, इतने सारे अवार्ड जीत चुकी हैं, अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर ली है, और कपिल शर्मा शो में भी आ गई हैं. ऐसी कौन सी विश बची है, मतलब क्या सिक्का फेंक, क्या विश मांगी थी आपने? मेरी विश पूरी हो गई. मैंने यही विश किया था कि मैं कपिल शर्मा शो में आऊं, और मैं आ गई. वाओ. आज मुंबई से बाहर से भी आए लोग यहाँ पे. कौन कौन आया? सब आए. आपको सोनी चैनल किराया देगा, आप ले सकते हैं बाहर से. बहुत खर्चा कर रहे सानिया एक्चुअली. सोफे का कपड़ा देखो आप, फर्नीचर देखो, घास देखो आप, जितना मर्जी. लेकिन इसको थोड़ा ऊंचा करना चाहिए, प्रेसिडेंट के सिंहासन जैसा. किसको? आपके चेयर को. अच्छा, इसको? मुझे लग रहा है पीछे डॉक्टर गुलाटी साइकिल पंक्चर को. इसको ऊंचा करना चाहिए. कपिल शर्मा का शो. मुझे मार ना देना इतनी तारीफ करके.
मैं सुबह 4 घंटे से वैन में रेडी बैठी हूँ. अरे मुझे बुलाया नहीं सानिया. यू टू आई टोल्ड हिम टू कॉल यू. ही सेड नहीं नहीं बैठे रहिए. अरे क्या है, मुझे लगा आप रेडी नहीं हुई हैं. आपने कहा था मैं चेंज करके आती हूँ. चेंज करके नहीं आई आप. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. आप बहुत प्यारी लग रही हैं. आते ही मैं शो में आती क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए. और नाम के लिए जोरदार तालियां. 1 मिनट. ये जो सोफा पहन के आदमी सोफे पे बैठा है, जो इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं. देखो गुस्सा कपिल पे है, बिल मेरे पे काट रही हो. कमाल कर रही. वो बिजी थे, उनको पूछे वो किसके साथ आए. सानिया को लेकर आए. वो सानिया को लेकर आए. सिद्धू जी, मैंने मजाक में एक बार क्या बोल दिया कि मुझे वो सीट बहुत प्यारी लगती है. आप मुझे वैन में ही छोड़ा है. मुझे पता भी नहीं था ये सब झूठा बंदा ये है. मैंने कोई झूठ बोला नहीं. आपने उनको मैसेज किया था. अच्छा, अभी मैसेज किया था. आई विल पिक यू फ्रॉम एयरपोर्ट, आपने कहा. मुझे शर्म ही आ गई. अब प्लीज प्लीज बैठिए यहाँ पे. मैं तालियां. हेलो एवरीबॉडी. नहीं, मुझे आके ये बोल रहे थे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया. वो उल्टा बहाना लगा रहे थे. सानिया की वैन को ट्रैफिक कह रहे हैं आप. मैं भी सोचूं ये ट्रैफिक में फंस ही नहीं सकते. कपिल आज बड़े हैंडसम लग रहे हो. ओह थैंक्स. बिल्कुल ऐसे जेल से छूट के आए हो ऐसे लग रहे हो. आज कोई नहीं बजेगा बेटा, कोई नहीं बजेगा आज. आज क्या खा के आई हैं आप. आज देखो मेरे को अगर 4 घंटे तुम लोग वेट कराओगे तो फिर ऐसे ही होगा. ये हीरोइन नहीं है, डायरेक्टर है. फरा लेकिन बहुत क्यूट है. पता है हमारे लिए कितना सारा खाना लेके आई. हवा दे रहा है वो. बहुत सारा खाना लेके आई. अच्छा, आप सच में बना के लाएंगे? बच गया था. यार देखो, एक तो मैं प्यार से हाथों से बनाकर अपने कुक को खुद फोन पे मैंने बोला है कैसे खाना बनाना है. अच्छा, पहले झूठ निकलने लगा था. अपने हाथों से फोन किया मैंने कुक को. आपको लगता है फरा खान कुकिंग करती है? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता. अच्छा, फरा है फिल्म इंडस्ट्री से, सानिया है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, और फरा को देख के लगता नहीं कि आपका स्पोर्ट्स से दूर दूर तक तो कोई लेना देना होगा. तो आपकी दोस्ती हुई कैसे थी वैसे पहली बार? एक्चुअली हमने बिल्कुल सही कहा है. द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ मैच एवर. रियली? क्रिकेट या टेनिस जो भी any है. अच्छा, कोई भी मैच ग्राउंड में. एनी स्पोर्ट. जब लास्ट ईयर में ये विंबलडन में पहली बार मतलब फाइनल तक पहुंची थी, एंड बिकॉज आई वॉज इन लंडन, she forced me ke tu london mein you're not coming to watch. Achha. She has no interest. She has zero interest, and I think that's why we are so close. Lekin it is true, jaise isko filmon mein zero interest hai, to pressure aata hai. Maine wo match dekha tha jab Farah bhai thi, par maine par acha wahan to bade sophisticated log hote hain, aap kahan chali gayi? Nahi matlab Farah akeli thi jinka wo sun raha tha kisi aur ke saane ko. Sania mixed doubles khel rahi thi tabhi, aur uska partner bada cute tha. What is his name? ब्रूनो. तो एक ही आवाज आती थी, कम ऑन ब्रूनो. ब्रूनो भी शॉक में आ गया कि देखो पास. लेकिन फरा मैम, आपको मैं तो अखबार में खबर पड़ी कि आप ऑस्ट्रिया स्लिम डाउन होने गई थी. ये बेइज्जती आपने. लेकिन कपिल सच्ची, मेरा स्पोर्ट्स में इतना मतलब आया, जीरो इंटरेस्ट. जब मेरा बेटा फुटबॉल मैच खेलने जाता है, जब वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, आई वाज द ओनली मदर हु वाज सो हैप्पी कि वो लोग मैच हार गए तो फाइनल्स में नहीं जाना पड़ेगा इनको देखने. बाकी सारे मम्मी डैडी बोले अरे लाइक हार गया बच्चा, थैंक गॉड. हाउ सेल्फिश मदर यू आर फरा. कभी गए हो सुबह 7 बजे उठ के टाउन फुटबॉल की धूल खाने? एक्चुअली बड़े प्रॉब्लम होती है सुबह से उठना पड़े ना. जैसे कभी हम लोग अक्षय पाजी के साथ शूटिंग करते ना, 6 बजे आ जाओ घर पे. मैंने कहा क्यों, जागरण खत्म करके हूँ बैठे हो आप. 6 बजे कौन बुलाता है अपने घर पे? अक्षय कुमार आता मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि ये सेट पे 10:30 आ जाता है, नहीं तो ये रात को 11 बजे शुरू करता है, 4:30 खत्म करता है. आप कब आते हो सर? मैं तो मजबूरी. नारी शक्ति, नारी शक्ति. एक आप ही हो जो इनको चुप करा देती, नहीं तो ये किसके काबू में आते नहीं है. मैं इनके आगे नहीं बोल सकता गुरु. अच्छा पाजी, इतनी पक्की सहेलियां हैं. हाँ, आपका फर्ज बनता था. सहेली नहीं, सखी कहो. सखियां. दोनों बालिकाएं इतनी प्रिय सखियां हैं.
कि आपका फर्ज बनता था कि सानिया की शादी में आप जाएं। हाँ, वो तो आप है। गई क्यों नहीं फिर? कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्या था? मेरे बच्चे पैदा हो रहे थे तभी। कुछ तो हो रहा था। बच्चे पैदा मतलब कितने दिन हो रहे थे पैदा? अगर मैं कंट्री में हूँ और शूटिंग नहीं हो तो आई एम देयर फॉर एवरीथिंग, जो भी हो रहा होगा आगे भी अगर शादियां होगी तो मैं जरूर पहुंचूंगी। इसकी नहीं, इसकी बहन की हो रही है। आई मस्ट हैव नॉट बीन इन द कंट्री, क्योंकि शानिया की बर्थडे होती है तो मेरे घर पे सेलिब्रेट होती है। ये रहती है आके, जब बॉम्बे में होती है तो शी स्टेज विद मी। तो आप सच्ची प्यार करते हैं कि होटल का खर्चा बचाती है? हम लोग वो ट्विटर वाले दोस्त हैं। वो सेल्फी लेके डालने एक दूसरे के फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। आज नहीं ली हमने कोई भी फोटो यार। आज हम बाद में लेंगे। कपिल तुम्हारे भी फॉलोअर्स बढ़ा देंगे। तेरी भी लाइफ बना देंगे हम लोग। मैंने बोला था ये बहुत डेंजरस है। मेरे को बहुत खतरा है आज। अबे मेरी मौत आई है, मैं वहां आ जाऊंगा। नहीं, बट आई टोल्ड हर आने से पहले, ऐसे फरा हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों थोड़ा आपू से बाहर हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो आपे से बाहर होते हैं, हम तो चैनलों से बाहर हो जाते हैं। कपिल तुम जहाँ भी जाओ देखो हम लॉयल हैं। वी आई लव यू फरा। लेकिन अब भगवान के लिए अभी आ ही रहना। नहीं अभी ठीक है, इन्होंने बड़ा खर्चा किया है। लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि ये पेड़ पौधे वगैरह हमने बोले नहीं थे, इन्होंने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री लगाए। सिद्धू पाजी बहुत हंस रहे हैं, मुझे पूछना है, सब चीज नई बनाई है, वो कुर्सी भी नई ले आता है सिद्धू जी, वही से उठा के ऐसे लेके आता है। यार अभी होगी, आपकी आंख इस कुर्सी पे ही है अभी भी। मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। एक्चुअली सिद्धू जी कुर्सी के आगे जो है उस पे है मेरी आंख। But how he is blushing. और क्या करूं बाबा? But बाजी last time मैंने आपको पूछा था, last time आपने कहा हाँ हाँ मैं किसी के लिए कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, कहा था इन्होंने? आपको बोला था in front of you. तो वो offer आज भी है, कोई चक्कर ही नहीं है। But अभी आप no, you sit, take it from him and then give it to me. From one sports person to another. मैं भी ना actually अपने retirement plan सोच रही हूँ, किधर किधर जाके मैं हंसूं, कौन से show में जाऊं। ये मेरी कुर्सी खतरे में गुरु, मेरी दुकान बंद कर दो। सिद्धू जी उठा के ला, plane में भी यही space seat पे बैठ। बेल्ट के नीचे लगी हुई है। मरवा दिया यार। आप देख लो, मैंने जो खर्चे की बात हो रही थी, देख लो आपको सिद्धू भाई के सूट में आज 3 पीस है, जैकेट भी ऐड किए भाई। अरे नीचे पैंट नहीं है ना लेकिन। अच्छा सानिया से जो छोटी एनम, वो एनम वही कॉल दो, ऐसा लगता है मेरे को आपका कमाई पर एनम इतनी हुई है। अनम है उसका नाम। अनम, अनम ही इज नेवर गोइंग टू कॉल अस ऑन दिस शो अगेन, आई जस्ट वांट टू टेल यू। मैं सोच रहा हूं यहीं पे एपिसोड वाइंड अप कर। हाँ बोलो। मैं नहीं कुछ बोलता, आप ही बोलो, आप बताओ क्या करना है। एनम, एनम तुम्हारा पर एनम कितना है? खतरा इस कुर्सी को नहीं है, ये कपिल शर्मा की फट्टी है ना, यहाँ तो फरा खान शो आने वाला है, पक्की बात। सर कपिल यहाँ ही रहेगा। बारम्बार वार मेरे पे है। कपिल पाजी ने अपनी कुर्सी बचा के रखी, तेरी कुर्सी बेच रहे। अपने आप पर नहीं आने देते, संकट नहीं आने देते। पॉलिटिशियन कुछ भी छोड़ सकता है, कुर्सी नहीं। अच्छा सवाल तो पूछो। तो आप दोनों बहनें एक दूसरे के कपड़े चेंज करके पहनते हैं कभी? कभी होता ना कि उसका एक्सप्रेशन देखा कैसे बदल गया एकदम से। ये क्या सवाल है? ये क्या है? अरे सवाल क्या है, एक दूसरे किस शो पे आ गए हैं? नहीं ये मेरी बात सुनो ना, देखिए ये आम जनता का सवाल है। ये आम जनता का सवाल है, आम जनता का सवाल है, आम जनता का सवाल है। आंसर इन सीरियसली, कभी कभी साजिद मेरे फ्रॉक्स पहन के अपने आई स्वेयर, जब वो अब शोज करता था, पहला ड्रैग क्वीन तो वही था ना, तुम लोग ने तो बाद में शुरू किया।
पहले वही तो कपड़े लड़कियों के पहन के घूमता था हर शो में, वो किसके कपड़े होते थे पहले ही वो हमसे नहीं मिलता। एक्चुअली सर हमने एक बात और सुनी है, पता नहीं ये सच है क्या अफवाह, कि आपने एक दो बार कटिंग करा के तो आप जाके हाउसफुल डायरेक्ट कराई थी। आपने हाउसफुल देखी है ना, मेरा उसमें कोई हाथ मैंने अच्छा बट टेल मी व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन अबाउट शेयरिंग क्लोथ्स। अरे हाँ यार माफ कर दो मुझे सानिया, मैंने पूछ लिया आप मेरी जान ले लोगी क्या, मैं तो भाई बहन की बात कर रहा हूँ, ये ऑडियंस में सब एक दूसरे के पहन के बैठे हुए। जैसे हम लोग ऐसे किसी की शादी होती तो लिफाफे में 101 251 500 रुपए देते। थैंक गॉड मैंने अपनी शादी पे तुम्हें नहीं बुलाया। 101 रुपए देता। 101 रुपए यू गिव इन शादीज। हम लोग बर्थडे पे वन ऑफ माय फ्रेंड। थैंक गॉड वी आर मैरिड फ्रेंड्स। या आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम, आई सेड द सेम थिंग टू हिम, मैं कह सम लो एक्सपेंसेस। तो मुद्दे की बात यह है कि हमें यह जानना कि इतनी बड़ी डायरेक्टर और इतने बड़ी प्लेयर जब ये शादी में जाते हैं तो लिफाफे में कितने पैसे डालते हैं। हम शादी में जाते हैं पहले लिफाफा लेते हैं और फिर शादी में जाते हैं। अरे हम तो सिर्फ शादी में जाते हैं, चमकी तो मैयतों पे जाता है लिफाफा लेके। नेक्स्ट टाइम अगर चंकी आए शो पे पूछना उसको, पैसे लेकर वो और थोड़े और दिए तो रोने भी लगा था वो। आप सच्ची नाश्ते में क्या जॉनी लीवर खा के आई आज? तो खरा तो मतलब सानिया फुल फॉर्म में है दोनों। सही कहा है किसी ने, दो सहेलियां साथ में बैठ जाएं तो भगवान को नीचे खींच ले। बड़े फॉर्म में दोनों, बहुत फॉर्म। वो पता नहीं हम इन्हें खींचना चाह रहे, ये तो हिल नहीं रहे, ये तो हिल ही नहीं रहे। उनको भी सारा टोले इधर आके जरा पैंट दिखाइए, कहते मैं नहीं आ रहा। मैं नहीं आता, ये लो पैंट रखो। अच्छा सुनो, आज कोई और भी आएगा कि हम दोनों से काम चलाओगे? आपको लगता है किसी और की जरूरत है? मतलब कोई ऐसे मुझे लगता है मुझे सिद्धू पाजी भी निकल जाना चाहिए चुपचाप। सानिया जी आई हैं। अरे वाह सानिया जी आई हैं। तो हमने भी तो यही कहा। हमने इज्जत ज्यादा दी, हमारा जी लंबा था। सुनिए सानिया जी आई हैं। अरे अभी देख, अरे फरहा जी आई हैं। अब बोल, अब खुश। इनको एक जी लगता ही नहीं है, इनको 4G लगता है। अब देखिए ये डायरेक्टर राइन भी हैं, कोरियोग्राफ राइन भी हैं, जजाइन भी हैं, साथ में आज गेस्ट भी हैं, तो फारा जी 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 4G। हमको रिंकू देवी कहते हैं, और वो जो बैठे हैं सिद्धू जी, वो सब लड़कियों के लिए ही शेर कहते हैं, और जो ये कपिल शर्मा हैं ये कुछ भी कहते हैं, ये फरहा जी हैं इनके बच्चे, इनको कभी कभी पापा कहते हैं। टू बी फेयर टू माई चिल्ड्रेन, शिरीष के बाल अब इतने लंबे हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते तो है ना, हम कौन सा झूठ कहते हैं। और सानिया जी आप कहिए आप क्या कहते हैं? इनको आजकल पद्मा जी कहते हैं, उन्हें पद्मा भूषण मिला है ना। अरे मुझे सानिया कहते हैं, इन्हें हम कभी कभी भाई साहब कहते हैं, ये सबको आई लव यू कहते हैं। हमको कभी नहीं कहते ऐसा क्यों?
सिद्धू जी सिर्फ हंसते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। नहीं कहते हैं, ठोको ताली बहुत कहते हैं। ठोको ताली कहते हैं, चक दे कहते हैं। और यहाँ पे आके सब जो एंजॉय करते हैं उसको द कपिल शर्मा का शो कहते हैं। अरे कहाँ, फिर भी हमें तो इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं किया। बिग्नो कहाँ जा रही है? देवर जी का शादी है, डांस तेरा बाप करेगा क्या? अब तमीज से बात कर लेंगी आप? रुक, देवर जी का शादी है, डांस तेरा पापा जी करेगा, तेरा फादर साहब करेंगे डांस। अब ठीक है, बेटर है। और आप अच्छे मौके पे आए हैं, उनका शादी के मौके पे आए हैं। है कहाँ देवर? अरे देवर, हम घोड़ी के आगे डांस कर रहे थे और वहां पे तू आगे आ गई हमारे साथ साथ। ये क्या किया तूने पागल, अकेला छोड़ दिया? अरे नागिन का धुन बज गया था तो हमारा भी डांस निकल आया, इसलिए हम भी आगे आ गए। नागिन का धुन पे रीच डांस करता अच्छा लगता है क्या? आगे आ गई है। अरे हम अपने भैया की जिम्मेदारी आपको देकर आए थे, वो तो वैसे घोड़ी से फिसल भी रहे थे। हमारे भैया को कुछ हो गया तो क्या होगा? एक मिनट, घोड़ी घोड़ी देख के मेरे को क्यों पॉइंट आउट कर रही है? कहाँ देवर है, कहाँ? ओ घोड़ी पे आ गए, देवर जी आ गए। नीचे उतरो जरा, ये तो बच्चा लग रहा मेरे को, छोटा बच्चा। ए देवर जा, जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाए हैं तो गधा का हरकत करने का क्या जरूरत है? क्या कर रहे हो? भैया को नहीं मानेंगे आप, वो सिर्फ भी मत कीजिए। नहीं बस 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 रुक जाइए। अब घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाओ कि मैं मर जाऊं। हरा जी, ये हमारा देवर है, ये देवर है, देवर है। इसका शादी है, इसका शादी है। हाँ। किससे है शादी? किससे है? अरे वो कानपुर की है, जौनपुर की, जौनपुर की लड़की से नाम। शादी रखा है। लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज नहीं, रिवेंज मैरिज है। प्लाट का चक्कर था, पैसा दे नहीं रहे थे, हमने कहा बदला ही ले लेते हैं, इसका शादी रख दिया है। अरे नाम मुन्ने है उसका, वो बदनाम भी नहीं है। अरे सुनो, इसकी लड़की से शादी है? असली वाली लड़की से कि जैसी तुम लोग लड़कियों वैसी से? एक कैसा सवाल किया है। किस लड़की के साइड लॉक्स होते हैं? नहीं, हम कोशिश किए थे। सुनो, हमारे यहाँ पे स्टार्स आए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ? अरे आप क्या कर रहे हैं, ये खिलाड़ी हैं, इन्हें खेलने दीजिए, भारत का गौरव है ये, जैसे आप भारत के फालतू इंसान है, ये भी गौरव है। एक काम करते हैं, फरहा जी, सानिया जी, आप यहाँ आए हैं तो हम सोचते हैं कि इसके हल्दी का रसम कर मरिए। कोबड़ा बचेगा तो हल्दी लगाओगे ना इस पे? हल्दी की रस्म नहीं, तुम लोग जल्दी की रस्म करो, निकलो यहाँ से। जैसे यहाँ पर चार लेडीज मौजूद हैं, तो लेडीज संगीत कर लेते हैं। हाँ आज कर लो, और क्या है। ए ढोलक लाओ रे। और फरा जी, आप हमें लेडीज संगीत तो थोड़े डांसिंग स्टेप सिखा देंगे कोई अच्छे वाले? जरा चम्मच बजाओ ढोल की। ये देख, ए, 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 तो हम फ्री में आए यार, हमसे काम भी करवा रहे हैं, यहाँ नहीं रहते तो शादी में चले जाते हैं। एक काम करो, फ्री की बात है तो दूल्हा ले जाओ, बस आपको ये दे दिए, प्लीज। ए, चल पेमेंट ले। तुझे फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है। रुक जाइए, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अरे सीधे सीधे रखे रहिए, बस रखे रहिए इधर। क्या रबड़ का गुड्डा है क्या? इतना पास से मत देख, डर लगता है हमको।
दम मत मारना है, लेडी संगीत है। मैं जैकी चैन को कोरियोग्राफ करने के बाद अब तुम दोनों को कोरियोग्राफ करो। देखिए मर्जी है आपकी, जीवन है आपका। संगीत हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कटरीना को लिया क्यों शीला की जगह। और कटरीना का तो टैटू भी नहीं है। और कटरीना के पेट पे बाल भी नहीं है। होता है। चलिए संगीत हो गया है। ओके। आप कल शादी में जरूर आइएगा। हमारे देवर जी, आदरणीय देवर जी का अगर शादी है तो जरूर आएंगे। इनको आशीर्वाद तो दे दो, जरा आशीर्वाद तो दे दो इनको, जरा ऐसे नहीं ऐसे सिर पे दो आशीर्वाद तो दीजिए। हमारे के रखो इधर थर्मस, हमारी आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा हम बताते हैं इनको का टकले में तेल है। तेरा चप्पर भी नहीं मार रहा है कोई, तेरा शादी कोई नहीं, कोई नहीं रहने दीजिए, शादी में आइएगा। अच्छा पाजी देख लो आप, हाँ। आप फरा जब बोलती हैं, हाँ। अभी तो क्या है ना, सानिया वैसे बड़ी स्वीट है पर आज ना कहते ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, अब दोनों सखियां साथ में बैठी ना तो दोनों शरारती होगी। भी बोल सकता था ना तो जी, अंगूर को देखकर अंगूर भी बोल सकता था, खरबूजा बोलने की जरूरत तो बड़ा बिंदास बोलती एकदम से। मैं सोचता हूँ, अच्छा इनकी लव मैरिज हुई है शिरीष के साथ, तो मैं ये सोचता हूँ आप रोमांटिक जब होती होंगी तो कैसे होती होंगी, क्योंकि मैंने टोन वो सुनी नहीं है। बट तेरे साथ मैं वो टोन क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मैं नहीं ये बोल रहा हूँ, मेरे साथ करो। दो मिनट के लिए करा, अगर मैं ऐसे ही लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आपको जानना चाहते हैं कि फरा कैसी होती होंगी रोमांटिक। मान लो बीच में, नहीं 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 आप बैठे रहो बीच में, आप जरूर चाहिए मुझे, मैं अकेला नहीं ये संभाल सकता। मान लो अगर मैं शिरीष हूँ, तो मैं घर आया हूँ, मैं क्या करूँ इसमें, मैं कैंडल बनूँ? कैंडल, मैं कैंडल बनूँ? कैंडल टिंग टॉंग, खोल लो अपने आप। जानू इतनी महंगी कैंडल तुमने दरवाजे में क्यों रखी हुई है? बुझाओ, कल भी जलानी है। अरे अच्छा वहां जला दी, मैं अंधेरे में बेटर लगती हूं। जानू मैं आ गया इंटरव्यू लेके। इंटरव्यू लेके? यस। इतनी बड़ी डायरेक्टर है तुम्हारी पत्नी, अभी तक इंटरव्यू ले रहे हो? जाओ कोई पिक्चर विक्चर करो ना। जानू तुमने बताया नहीं तुमने चलने वाली कैंडल रखी हुई है। पिक्चरें कहां से करूं तो फिर, मुझे दे दो पिक्चरें। मैं तुम्हें पिक्चर दूं? पिक्चर बीवी से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है, जाओ कुछ मेहनत करो। अच्छा छोड़ो यार, कुछ कुछ चलो कोई रोमांटिक बात करते हैं। हाँ। रोमांटिक बात करते हैं। रोमांटिक बात एक्साइटेड हो रही है कैंडल। रोमांस भी
करूं, तीन बच्चे भी पैदा करूं, सब चीज मैं करूं। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं आता आगे से। चल मेरी कैंडल, कोई मेरे साथ चल। कैंडल बड़ी प्यारी थी यार। टू गुड। आपको पता बाजी, अभी ना फरा जैकी चैन को कोरियोग्राफ करके आई है। हाँ जब आपने तो साउंड मॉडल्स, लेकिन ये तालियां जैकी जी के लिए बजाई है। बिल्कुल, वो बहुत ग्रेट एक्टर है, ग्रेट परफॉर्मर। पर अच्छा फरज, जब आपने उनको डांस सिखाया होगा, आपका डांस देखा होगा, उनकी तो आंखें खुल गई होंगी। मतलब क्या मतलब, आपने इंडियन डांस सिखाया था? हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड स्टाइल एकदम, मतलब जो गोविंदा के फिल्मी स्टेप्स है वैसे। वेरी वेली डांसेस। सानिया फरा, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, सबके मन में एक सवाल था और सब ये जानना चाहती हैं कि जो सेलेब महिला होती हैं, उनकी जिंदगी क्या आम महिलाओं से अलग होती है, कि वो भी वैसे काम करती हैं जैसे ये महिलाएं घर में काम करती हैं, जैसे कभी शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया तो नींबू रगड़ रही हैं। जी तो कौन सी हमारी माताएं बहनें हैं जो ऐसे सवाल पूछना चाहती हैं? जी हल्दी देवी जी। थैंक यू। मैं बताना चाहती हूँ, इन लोग जैसे बिजी होती हैं, हम भी बिजी होती हैं, हम हमारे घर का नाम रोशन करती हैं, ये हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। हम 2 किलो सब्जी उठा के थक जाती हैं। और मैं 3 बच्चे उठा के। जी हाँ, और सही बात है, आप उसमें भी बिजी हो, आप उसे भी आराम से संभालती हो और अपना काम भी करती हो, और हम तो थके रहते हैं आम महिला। और एक फर्क है, जैसे अब बारिश आने वाली है, बारिश बड़ा रोमांटिक मौसम होता है। मैडम आप भाषण दे रही हो, सवाल पूछ रही हो। ये रोमांटिक मूड में ये घूमने जाएंगी और हम पकोड़े तलेंगी। हमारी माँ आवाज देगी, देखियो जरा पानी टपक रहा है। जब होती है मैं घर पे बैठ के पकोड़े खाती हूँ। और मैं पकोड़े बनाती हूँ। कोई तो खाता ही होगा कि बना के रखती जाती है। नहीं नहीं। उनको शेफ बना के देता है, हम बनाते हैं और हस्बैंड खाते हैं। शेफ बना के देता है आपको? आपको यही पूछना है ना बेसिकली, ये बनाती हैं। फिल्म में तो पार्ट टाइम करती, मेन उनका पकौड़े का ही काम है। और जैसे पकोड़े के बाद वक्त मिला, मेकअप वगैरह करके तैयार हुए और निकले घूमने, तो वो बारिश ने हमारा मेकअप धो दिया। आप बोलते रहिए, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अच्छी और क्या है, काफी लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। हाँ तो फिर मेकअप लगा के फिर गए, जब हम गए तो बारिश ने हमारा मेकअप धो दिया। अरे यार, और आप वाटर प्रूफ मेकअप लेकर घूमी? नहीं नहीं, वाटर प्रूफ मेकअप नहीं, हम आज छतरी लेके जाते हैं। तो पूछना क्या चाहती हैं आप कि अमेरिका में इलेक्शन में कौन जीतेगा? सवाल मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं अभी नुक्त खत्म का हुई, उनका अच्छा। डे खत्म नहीं हुआ है, आगे बस नहीं, आगे बोलो। इतनी सी थोड़ी सुनेंगे हम, पूरा बोलो। नहीं मैं औरों को भी मौका दूंगी। फिर रात में, रात में। तो मेन बात मैम, आप क्या पूछना चाह रही थी? वो डिफरेंस बता रही थी, आपने सवाल पूछा ना। देखो ये बहुत फर्क होता है, अगर कहीं हमारा झगड़ा हो गया ना अपने हस्बैंड से, तो नेक्स्ट डे वो पेपर में आता है। आप अपने हस्बैंड को घर पे मारती रहो, किसी को नहीं पता चलेगा। एक्चुअली थैंक यू, थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू, टू गुड। जी और कोई? हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सुधीर जी। हेलो हेलो। आप दोनों से मिला, मुझे ये पूछना है। कपिल नहीं बोला? हेलो सर। मुझे सर का आपको आदत नहीं है ना, मुझे सर से। जैसे मुझे बोल रही है। जैसे हम बोर होते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करते हैं, जैसे घूमने चलते हैं, तो हम जैसे चल जाते हैं, हमारे घूमने में आइडियाज आते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं, मरीन ड्राइव चलते हैं। लेकिन आप लोग, जैसे आप लोग हॉलीडे प्लेसेस कहाँ जाते हैं? हम एक्चुअली 5 साल से अभी तक प्लान ही कर रहे हैं एक हॉलीडेज पे जाए हम साथ। मैं भी, लगता है आप जहाँ जाएंगे वहाँ ही जाने की सोचते हैं। हाँ स्वीट। पर आपको पता है सानिया का तो काम भी हॉलीडे जैसा ही है, एक दिन मैच खेला, मैच जीता, ट्रॉफी ली, उसके बाद थोड़ा थोड़ा घूमना तो हो ही जाता है। नहीं यार एक्चुअली बहुत स्ट्रेस में रहती है। फरा तो ऐसी है ना कि
मतलब इंडोर सीन भी होता है, जाके दुबई में सेटअप कर लेती हैं। मैं बाहर दूसरों के पैसों पे जाती हूँ। तो आउटडोर नहीं करता कभी? अरे वी वेंट टू दिल्ली। वैसे जी मैम, कपिल तूने अभी कहा कि सानिया जब जाती है वैसे ही छुट्टी हो जाती है जी, तो तेरे को लगता है उसका काम इतना आसान है? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल लगता ऐसे लगता है। मैं कहता हूं कि मैच के बाद देखो, दो रैकेट लाओ प्लीज। दो खुराफाती महिलाएं। Are you sure? Ready? No. देखो, I'll be the guard. Guard तो पहना होगा। Guard. एक मिनट रुको। I suggest you cover this, not your face. I suggest. You seriously want me to hit full? Yeah? तबला भी बजा। भाई तुम्हें क्यों करवा रही है? वो तो शॉट मार के चली जाएगी, तो अगले एपिसोड कैसे? नहीं, मुंह मुंह टूट गया तो ठीक है। करेक्ट करेक्ट। ये क्या कर रहा है? अच्छा, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का मेल जोल आप देख रहे हैं, इस मेल जोल को आगे बढ़ाते हैं। फरा मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे फिल्मी सितारे टेनिस खेलते तो कैसे खेलते? बिकॉज यू आर ए वेरी गुड कोरियोग्राफर। थैंक यू। कपिल शाहरुख अगर खेलता जी तो कैसे खेलता? कैसे खेलते? तो म्यूजिक लगाओ शाहरुख भाई, टेनिस ऐसे 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 खड़े रहो और बॉल यहीं आना चाहिए। हाथ हिलेगा नहीं चाहिए। वेरी गुड। अगर अभी अगर ऋतिक खेलता कैसे खेलते? अगर सलमान, व्हाई आर यू मेकिंग मी डर्टी फेसेस? मैं ये सोच रहा हूँ कि लुक लाइक ऋतिक, कि ऋतिक के जो सामने खेलेगा वो क्या करेगा। ओके, और कौन? सलमान। सलमान, अच्छा। अब तुम मुझे बताओ, नाना पाटेकर खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? नाना पाटेकर खेलेंगे, पहले तो वो ना सर्विस नहीं करेंगे, वो सर्विस करने से पहले सामने वाले के उधर चले जाएंगे। आ गया, मेरी हार का तमाशा देख रहे हो, आप मेरे साथ खेलेगा, आ गए मैच देखने, इंडियन रशियन का मैच हो रहा है। मैं बोलता हूँ सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री खेल सकती, शत्रु सर नहीं खेल सकते। क्यों? उनके रैकेट आपस में फंस जाएंगे। चपड़ घंटू कपिल शर्मा। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। एक दो मिनट दीजिएगा, दो मिनट दीजिएगा, बात करें। कपिल शर्मा चलिए, खड़े हुए खड़े हुए। अरे क्या है कि यार, हमको इंसाफ दिलाइए यार। मॉल में जाओ, सब कुछ मिलता है, चलो निकलो। क्या शो चल रहा है क्या? खुले सांड की तरह अंदर घुसा है। अरे तो यू डोंट नो, आई एम एनपीपी। क्या? नारी पीड़ित पुरुष। अब हमको इंसाफ दिलाइए। हम गए थे आपके, क्या है वो, सिटी केबल के मालिक के पास गए थे, उन्होंने कहा कि ये आदमी यहाँ पर आइए, इंसाफ दिलाएगा, आप अपने शो में हमारा मुद्दा उठाएंगे, उन्होंने कहा। आपका मुद्दा क्या उठा? आपका मुद्दा ही बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा, आपका मुद्दा के गद्दा है, पर आपको मेरे बॉस ने भेजा है। हाँ, तो फिर करना पड़ेगा। क्या करना है आपको? इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए।
यार, नारी से पीड़ित है एक तो बीच में ये सॉरी इधर नारी से पीड़ित है लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है, बताना। नारी से पीड़ित हो? हाँ। क्यों? पहले नारी इनसे पीड़ित हुई। देखिए मैं आपका मुद्दा उठाता हूँ, कोई बात नहीं, आज हमारे साथ फराह खान है और सानिया मिर्जा है, आपका मुद्दा उठाया जाएगा बकायदा, लाइव चलेंगे हम लोग। अरे लाइव चलेंगे, आज कल जॉब मिली मेरे को सिटी केबल पे ना। अच्छा, तो लेके आओ जल्दी डॉक्टर साहब चंदू जी सर, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बहस शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब आए भी आए आए आए, मुद्दा क्या है? मुद्दा बैठना सर, मुद्दा बैठना। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी बैठिए, जल्दी जल्दी। मुद्दा क्या है? मुद्दा इधर बैठिए, आप टीवी में, डॉक्टर साहब टीवी में बैठिए, फटाफट प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो भी हो हमने तो बकवास ही करनी है जी। तो सिटी केबल के प्रोग्राम बिना बाल की खाल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे महिला पीड़ित पुरुष जो है अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से लोग हैं। इस तरफ से आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट से इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी फराह खान, और दूसरी तरफ है तीन फालतू इंसान, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हॉस्पिटल से, चंदू चाय वाला दुकान से, और मोटे भैया अपनी औकात से। आज हम चर्चा करेंगे, और मैं अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि इस चर्चा में गंदी गालियां हाथापाई बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ओ, और फिर मैं जा रही हूं। अरे, 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 आपको अलाउड है। अच्छा। और वो लोग तीन और हम लोग दो क्यों हैं? हम दो तीन के बराबर। ध्यान से देखिए, वो पांच हैं। तो चर्चा शुरू की जाए। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। टीवी के अंदर हाथ करो ना यार। तो चर्चा शुरू की जाए, सबसे पहले वो जो मनहूस मुंह बना के बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम बहुत परेशान हैं, अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं। अरे वो हमें बहुत मारती है, लथड़ लथड़ के पीटती है हमको। अरे हमको रोज कहती रहती है मोटे मोटे मोटे। एक बार गलती से हमने उसे कह दिया आप हल्की सी भारी लग रही है। पूरा घर सर पे उठा लिया उसने। तो फरा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीवी अपने पति को मोटा कहती है तो वो चलता है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को जरा सी भारी कह देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती। इज इन इनटॉलरेंस। देखो मेरा पति कभी कुछ ऐसा कहता ही नहीं है। oh. शामत आनी है उसकी। कभी नहीं कहता वो, मुझे ऐसे ही बोलता है कि बेबी तुम बहुत पतली हो गई हो, फूल सी नाजुक हो गई हो। तो फराह के मुताबिक जो है इनके पति जो हैं, अक्कल से काम लो ना, कभी हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आपका मुंह अगली है, आपके बाल कैसे, आपके मुंह से बास आ रही है। कभी नहीं बोला आपने? नहीं बोला ना? थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। हम भी सच्चाई नहीं बोलते ना। कितने बार बोलते हैं हम कि आपकी बैक साइड इतनी बड़ी लग रही है जीन्स में। तो सच्चाई को छुपाना। हाँ, सच्चाई को छुपाओ। हमने कभी कहा कि कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन इसी बात पे कवाली याद आ गई। सच्चाई छुपाना है यार, कवाली याद आ गई। इंडियन आइडल नहीं हो रहा है। फरा मैम, मेरा एक सवाल है कि जो औरतें होती हैं वो हम मर्दों पे इतना शक क्यों करती हैं? आदमी थोड़ा सा भी मार्केट से लेट हो जाए उसी टाइम फोन करना शुरू करते हैं, हेलो कहाँ पे हो? आदमी कहता है यार मैं पान वाले के पास हूँ, चलो पान वाले से बात करवाओ। आदमी सोचता है यार शादी मैंने कराई है, मौजे पान वाला ले रहा है। वाह बहुत अच्छा, इनकी शक्ल में दम हो ना हो इनके बात में दम है। तो क्या आप भी, मैं मेरा सवाल सानिया और फरा दोनों से, क्या है दुकान वाले हैं? दुकान वाले ये तो हमको भी नहीं पता चला अभी तक। तो मेरा सवाल है, इनकी क्या भी शायद यही कहती होगी ये है कौन? आपको शायद जवाब मिल गया है। देखिए ये हमारे सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं है, हमें ये बताइए कि पहले ये बताइए प्रॉपर वर्ड आपको किसने बताया? अरे बात करनी होगी उसे पान वाले से, चल रहा होगा उसका कुछ तो, क्या हुआ? औरतों को फ्रीडम नहीं होती अफेयर करने की, भले वो पान वाले से अफेयर करे। लेकिन पान वाले के साथ ना मुंह पे दाग आ जाते हैं। तो क्या आप भी अपने पति को पांच पांच मिनट बाद फोन करती हैं? मैं तो नहीं करती क्योंकि मैं तो टीवी पे देख लेती हूँ। टीवी पे खेलते होते हैं
तो मैं देख लेती हूँ। वो भी इनको टीवी पे देखते हैं, ये भी टीवी पे खेल रहे हैं। कहने का मतलब आप विजुअल निगरानी रखती हैं। तो आप दोनों को प्यार प्यार में टीवी हो गया। तो सानिया का कहना है कि वो अपने पति को फोन नहीं करती। ब्रेकिंग न्यूज, सानिया को नहीं है परवाह कहाँ है उनके पति। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। आप बोले ना बोले हमारा चैनल चल जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज यही है। जी तो बरा आप नहीं करती अपने हस्बैंड को कभी फोन? करती हूँ ना। तो फिर वो उठाते हैं आपका फोन? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उठाते हैं, मैंने कहा मैं करती हूँ। कभी नहीं उठाते? मैंने अभी नया मोबाइल लिया है, आप मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकती। कैन यू हैव माई नंबर? ओए, या हमको ये करने के लिए बुलाया है यहाँ पर शादीशुदा औरतों पे ये जो दोरे डाल रहा है? कैन यू जस्ट प्लीज हैव माई नंबर? मैं जूता पहले गोबर में भिगोऊंगा फिर आपके मुंह पे मारूंगा। आप हमारी महिला गेस्ट से आप ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इजाजत हमें है। जी, कुत्ते को आगे बढ़ाया जाए। और ये कैसा टीवी है जो देखो बाहर आ रहा है उससे? अच्छा एक मेरा प्रश्न है, ये औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े? ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है, आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी। अभी भी इनकी जेब चेक करो, दो संतरे निकलेंगे। मैं संतरे नहीं अमरूद यूज करता हूं। जी मेरा एक सवाल है। दो पूछ ले। सवाल है मेरा, एक सवाल क्या होता है, पूछ एक। तेरे पास सवाल ही है, जायदाद तो है भी नहीं। आई एग्री। जी सवाल क्या है आपका? जी फरमान मेरा एक सवाल है कि जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी गलत ड्राइविंग क्यों करती हैं? जितनी भी औरतें हैं यार, ये है कौन? कौन है ये? सर मैं सवाल पूछूं क्या? रहने दो। जी आप जारी रहिए। जी जो औरतें हैं वो गाड़ी जो है गलत जगह क्यों पार करती हैं? आपको क्या प्रॉब्लम, आपके पास तो साइकिल भी नहीं है। देखिए पार्किंग में बाथरूम करने तो जाते ही है ना ये। तो आपको क्या, आपने किसी महिला की गाड़ी गलत पार्किंग में देखी? हाँ जी, अभी फरा खान जी ने लगाई है बार। नहीं नहीं, फरा जी गलत नहीं लगा सकते। ये आप किनकी तरफ हैं? हाँ, इन्होंने गाड़ी पार्क किया, वहां तो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। क्यों फरा जी? तो आपका कहने का मतलब पार्किंग का बोर्ड गलत होगा, फरा गलत नहीं हो सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जान दे दूंगा अगर फरा गलत हो। मैं इसी स्टेथोस्कोप से अपना गला घोट लूंगा। देखिए उनको मेरी जान की कितनी परवाह है। क्या बात है। स्टूडियो से बाहर मत आए। अरे स्टूडियो से बाहर नहीं, आपे से बाहर मत आओ बोलो। कोई दिल दे बैठा है और आपको आपे की पड़ी है। अच्छा स्टेटोस्कोप देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। दो मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। दो मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए, मुझे इनको एक गंदी गाली देनी है। अब क्या? जी मेरा एक आप तो नहीं पूछेंगे ये कौन? मेरा एक सवाल है, आप ये कौन है? कौन? मुझे बता ही नहीं रहा कौन है ये। जी तो सवाल आपका क्या है? मेरा एक सवाल है कि शादी मैं कौन हूँ? देखिए डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? मैडम अब आपकी बारी। मेरा एक सवाल है, आपका बुखार चेक कर ले। चलो मेरा एक सवाल है कि शादी से पहले आदमी शेर होता है, लेकिन शादी के बाद शायर क्यों बन जाता है? वाह बड़ा ही बकवास सवाल पूछा वैसे आपने, पर आपने जिनकी तरफ ये इशारा किया है हम उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। मिस्टर सिद्धू, हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी शादी से पहले शेर होता है और नहीं होता? सिद्धू सर आ क्या आप हमारी टीम तो ज्वाइन करें इधर। हम उन पे भारी पड़ रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। वो आपकी कुर्सी कोई नहीं ले रहा आज है। आप
बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी हमारे तीसरे गेस्ट पहुंच से बाहर थे। मैं बैठ रहा हूं, यहां बैठ रहा हूं जी। थैंक यू सानिया। लगता पलट हो गया जी। ठोको ठोको। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो सिद्धू जी ने वो जवाब देने से इनकार किया है? बिल्कुल किया है, फालतू सवाल है। जी आप आगे बढ़िए। हमारा अगला सवाल यह है कि जो लेडीज हैं, आप लोग जो हैं, आप लोग इतने सारे सवाल पूछती क्यों हैं? आप लेडी हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो आप कर रहे हैं। तो अपना जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग की काफी आदत है। हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। लेडी सवाल पूछती क्यों है फारा? बताइए ना। कुर्सी पे बैठोगी तो ज्यादा लाइन मारेगा वो, मैं बता रहा हूं। जैसा कि आपने देखा, कुर्सी के लिए काफी मारामारी चल रही है। तो एक बार फिर से अनजान व्यक्ति कुछ पूछना चाहेंगे जी? जी मेरा सवाल है, क्यों है? आप कौन हो? ठीक है, जो औरतें मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं, लेकिन जब लड़का पसंद करना होता है तब भी इतना टाइम क्यों लगाती हैं वो? ताकि आपके जैसा पति ना मिल जाए। वैसा फटे दूध जैसा मुंह लेके वैसा ही सवाल पूछा आपने। मैं आपको खुद ही तर्क कहता हूँ, शट अप जी। अगला सवाल क्या है? जब भी लेडीज अपनी मनमानी करती हैं हमेशा, अपने हस्बैंड को सॉरी क्यों नहीं बोलती? सॉरी जी, पहले आपने ये लफ्ज सुना कभी? अपने हस्बैंड के मुंह से सुना होगा। नहीं, वो भी नहीं बोलते। अब 12 साल हो गए शादी को, अब सॉरी का वक्त निकल गया ना। तो जैसा कि आपने सुना, 12 साल बाद सॉरी वोरी सब मोरी में चली जाती है। आपकी इक्वेशन काम आती है जी। लड़कियां कभी दो आपस में सहेलियां नहीं हो सकती, और लड़के देखो कभी भी लड़ते नहीं है आपस में, है ना? क्या बात कही है। लेकिन जब से ये आए इनके मुंह से प्याज की बदबू बड़ी आ रही है। तेरे मुंह से भी लहसुन में से फर्क नहीं पता क्या आपको? अरे चलिए अरे चलिए चलिए बड़ा दोस्ती दिखा रहे हैं तीनों। लड़ो भी, लड़ो मत, लड़ो मत। अब मैं तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहा हूँ। देखिए है, देखिए। अरे बस बस, चलिए इधर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मामला हाथापाई तक पहुंच गया है। जूते चल रहे हैं। हमारा टार्जन, अब तेरी बंसरी जैसी टांगे टार्जन बनाए। एक बार सानिया और फरा के लिए जोरदार तालियां बजाए। सानिया, फरा मैम, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, और आज आपने सच्ची में चार चांद लगा दिए हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक। फरा की आने वाली ढेर सारी फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और सानिया आपके फ्यूचर मैचेस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही भारत का गौरव बढ़ाती रहें। और एक सेल्फी एक आप दोनों के साथ। आप पहली बार हमारे शो में, आपको हमारा सेट अच्छा लगा ना? बहुत कपिल, मैं तो मुझे तुम्हारी हर चीज अच्छी लगती है। ओह स्वीट, थैंक यू फरहान। मेरे को कुछ गिफ्ट लाना चाहिए था ना ये सेट के लिए। आपने खाना लेके आई? हाँ, मैं इस टाइम खाना लेके आई। सानिया, जाने से पहले प्रॉमिस करके जाइए, दोबारा कब आएंगी? उसका एक ही टूर्नामेंट रह गया, फ्रेंच ओपन जीतेगी तो पक्का आई। पक्का? हाँ, प्रॉमिस हो गया, हो गया। फ्रेंच ओपन जीतने वाली है। पेरिस में शो रख, पेरिस में शो रखना फ्रेंच ओपन जीतने के बाद। मेरा खुद सिद्धू जी, आप जरा टाइम पे आ जाना। ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। ओहो, ओहो।